नमस्कार, सलाम। न्यूज क्लिक के इस खास कार्यक्रम चुनाव चक्र में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं मुकुल सरल। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और सबसे पहले बारी है पूर्वोत्तर के छोटे राज्य मिजोरम की और हिंदी पट्टी के अहम राज्य छत्तीसगढ़ की। मिजोरम की सभी 40 सीटों पर 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। तो इस एपिसोड में बात मिजोरम की। मिजोरम पर बात करने के लिए आज हमारे साथ दो खास साथी जुड़े हैं, हमारे पूर्वोत्तर के संवाददाता संदीपन तालुकदार और हमारी वरिष्ठ सहयोगी भाषा सिंह। भाषा सिंह इस समय मिजोरम की राजधानी आइजोल में हैं और संदीपन अभी मिजोरम का दौरा करके लौटे हैं। आपको बता दूं कि मिजोरम विधानसभा में कुल 40 सीटें हैं और यहां सरकार है MNF की, यानी मिजो नेशनल फ्रंट, और मुख्यमंत्री हैं जोराम थंगा। यहां का चुनाव बड़ा दिलचस्प हो गया है। यहां एक तीसरा प्लेयर भी आ गया है। यहां दो ध्रुवों में, दो पार्टी में आमतौर पर लड़ाई होती रही है, MNF और कांग्रेस या अन्य दल। इस समय यहां ZPM यानी जोरम पीपल्स मूवमेंट, ये भी एक नया प्लेयर है और इसी को लेकर एक बदलाव के बयार भी वहां दिखाई दे रही है। एक तथ्य यह भी बताना बड़ा दिलचस्प होगा कि NMF अभी तक NDA का हिस्सा था, यह है भी, लेकिन अब उससे उसने दूरी बना ली है। कारण मणिपुर की घटनाएं। तो इस सब पर बात करेंगे हम अपने दोनों संवाददाताओं से। तो मिजोरम का क्या है चुनाव का गुणागणित, जानते हैं अपने संवाददाता संदीपन तालुकदार जी से, जो पिछले दिनों मिजोरम के दौरे पर थे। संदीपन, मिजोरम के चुनाव की तारीख आ गई है, 7 तारीख को मतदान होना है। आपने क्या माहौल देखा वहां, क्या मुद्दे हैं? हाँ मुकुल जी, मिजोरम जब मैं गया था तो मिजोरम में इस बार जो चुनाव सामने आया, चुनाव जिस टाइप से हो रहा है प्रचार, हालांकि एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि मिजोरम अगर आप जाएंगे चुनाव से एक हफ्ते पहले तो आप और ऐसा लगेगा नहीं कि आप कहीं एक ऐसे स्टेट में आए जिसमें एक हफ्ते बाद वोटिंग होना है, क्योंकि वहाँ पर कोई कैंपेन एज सच डोर टू डोर होता नहीं है। वहाँ पर मिजोरम पीपुल्स फोरम बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरा चुनाव प्रक्रिया को वो संचालित करते हैं, पैरेलल टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और वो डीपली रूटेड होता है समाज में। अगर MPF की तरफ से कोई अगर कैंडिडेट को नोटिस मिल गया तो वो सामाजिक रूप से बहिष्कृत हो जाएंगे, इस टाइप का मामला है। तो बहुत शांत किस्म का चुनाव वहाँ पर होता है। लेकिन इस बार जो सामने आया, एक तो मणिपुर में जिस टाइप से उत्पीड़न हुआ था जू और कोकी लोगों का, और उसके साथ साथ म्यांमार में जुंता सरकार के समय में जिस टाइप से जो कोकी लोगों के ऊपर उत्पीड़न चल रहा है, वो है बहुत बड़ा मुद्दा उभर के सामने आया। लेकिन वो सिर्फ आप मान लीजिए कि मिजो कोकी जो नेशनलिज्म होगा उसके इर्द गिर्द रहने वाला एक मुद्दा है, लेकिन सिर्फ उसी तक ये चुनाव कोई सीमित नहीं, क्योंकि वहाँ के जो लीडिंग पार्टी है MNF, मिजोरम नेशनल फ्रंट, जिसकी अभी सरकार है, वो भी ऐसा ही स्टांस ले रहा है। क्योंकि मणिपुर से या म्यांमार से जो लोग आए थे डिस्प्लेस होके, उनको मिजोरम में बसाया गया, सेटल किया गया, और इंडियन गवर्नमेंट भी इस टाइप से कह रहे थे, वो सब माने नहीं, तो वो तो स्टांस था। लेकिन सिर्फ वो वहाँ पर अभी मुद्दा बनेगा ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि बाकी जितने भी पार्टियां हैं वो भी लगभग बराबर पोजीशन में वहाँ पर है, क्योंकि वो पोजीशन लिए बगैर आप मिजोरम में राजनीति करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो असली मुद्दा क्या होता है, ये एक है, और मणिपुर एक बड़ा मुद्दा है मिजोरम के चुनाव में। शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री मिजोरम नहीं गए, नहीं जा पाए। उसके बाद गृह मंत्री की बात हुई कि वो जाएंगे अमित शाह, वो भी नहीं गए, सिर्फ राजनाथ सिंह गए हैं। जी, तो ये एक मुद्दा है। और उसके साथ आपका जो
डे टू डे लाइफ से जुड़े हुए सवाल है वो बहुत इस बार उभर के सामने आ रहा है। जैसे मिजोरम जैसे आपका अनएम्प्लॉयमेंट, मिजोरम कहा जाता है कि साक्षरता में लिटरेसी रेट में इंडिया के टॉप मोस्ट राज्यों में से एक है। और दूसरा जगह उसी समय में हम मिजोरम में घूमेंगे तो दिखाई देगा जो यूथ होता है तो वो लोग कैसे काम कर रहे हैं जीवन निर्वाह करने के लिए। तो मैक्सिमम टूरिज्म के सेक्टर में आपके वो लोग एंगेज थे, टैक्सी ड्राइवर होगा, छोटे मोटे दुकान है, बिजनेस है, ये एक बड़ा मुद्दा उभर के सामने आ रहा है। और तीसरा जो दिख रहा है वो है करप्शन। जोरामथंगा सरकार के ऊपर ऊपर करप्शन का बहुत एलिगेशन है कि बहुत करप्शन किया है ये आया। हालांकि जोरामथंगा को लोग पसंद कर रहे हैं इसलिए क्योंकि वो जिस टाइप से जो कोके मणिपुर से भागे हुए लोगों को मिजोरम में बसाया, यहाँ पर मोदी सरकार ने जोरामथंगा को बोले थे कि बायोमेट्रिक्स लगाओ, जोरामथंगा ने उसको रिजेक्ट किया, फिर बोले कि म्यांमार से लोगों को आने मत दो, वो भी नहीं माने, तो उसके लिए पसंद करते हैं और ये लेकिन भी कहा कि मैं सिर्फ प्रधानमंत्री के भाग्य साथ मंच साझा नहीं करूंगा, एनडीए से अलग नहीं हो गए, करूंगा। एनडीए का हिस्सा थे एमएनएफ, तो ये भी एक मुझे लगता है कि वो ही एक जन दबाव और एक जो मणिपुर का मिजोरम की मुद्दा है वो जनता एक की है, हाँ काम कर रहा है। जी बहुत काम कर रहा है, लेकिन वहां पर वो काम किया इसीलिए एमएनएफ को फिर पिछले पिछले चुनाव की तरह लोग उसको उत्साहित होकर वोट करेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि ये जो आपके जमीनी मुद्दे हैं, किसान खेती से जुड़े हुए मुद्दे हैं, मैं गया था सिरछिप बोल के एक जगह है, वैसे वहां खेती किसानी में किस तरह की खेती किसानी है खासतौर पर, ये क्योंकि पहाड़ी राज्य है, पूर्वोत्तर का राज्य है। वहां पर आपका जो वैली एरिया होता है वहां जी पर धान की खेती होती है जी और उसके साथ रवि रवि क्रॉप्स जो होता है सर्दियों के जो उगने वाले, जी और कुछ कुछ फलों का भी आपका वहां पर नेटिव जो फल है फ्रूट्स है उसकी खेती होती है। हालांकि ज्यादा से ज्यादा जगहों पे आपका झूम कल्टीवेशन मिलेगा जो ट्रेडिशनली वहाँ के लोग करते हैं। और मैं गया था सिरछिप बोल के एक जगह पे, सिरछिप डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है सिरछिप बोल के भी। तो सिरछिप कहा जाता है कि मिजोरम का बेसिकली एग्रीकल्चर हब एक टाइप से अगर कहा जाए, तो वहां पर आपका एक मेट रिवर वैली बोलते हैं, सिरछिप ऊपर है वहां से आप अगर नीचे आएंगे मेट रिवर वैली में वहां पर आपका खेती होता है। तो वहां के जो किसान संगठन है जो बेसिकली सरकार की तरफ से बनाया हुआ एक संगठन है, तो उनके लोगों के साथ जब मैंने बातचीत की तो उनको बहुत गुस्सा है एमएनएफ की सरकार के ऊपर। क्यों गुस्सा है? NH 54 नेशनल हाईवे 54 उस जगह से आपका एक्सटेंशन का काम चल रहा है। तो किसान लोग बोले कि ये अगर नेशनल हाईवे एक्सटेंड करेंगे तो पहाड़ काटेंगे, तो हमारे जो वो है फील्ड्स है वहां पर बारिश में आपका लैंडस्लाइड होगा और यहाँ पर आके हमारे खेती को नुकसान पहुंचाएगा। वो लोग बहुत कहे लेकिन कोई माना नहीं। फिर वहां पर जो टनल्स होते हैं और वाटर कन्वर्शन होता है वो सब के लिए भी आपके जो किसान है उनके बहुत सारे अर्जी दी थी, वहाँ के डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के पास भी गया था, वो सारे किया। लेकिन 2023 में अभी सितंबर में जिस टाइप की बारिश हुई पूरे पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश हुई थी तो वहां पर भयानक लैंडस्लाइड भी हुआ, लोगों ने दिखाया, मेरे पास वीडियोस भी है उसका, फोटोग्राफ्स भी है। तो उस समय आपका क्योंकि ये सितंबर महीने से आपका धान मेच्योर्ड होना शुरू होता है, अभी उसकी कटाई हो जाएगी नवंबर दिसंबर में, तो बहुत सारा धान उसका खत्म हो गया। तो एमएनएफ का सरकार का कोई मंत्री भी शायद उस जगह पे गया था लेकिन कुछ किया नहीं। तो ये है आपका जैसे किसानों का मुद्दा हो गया, यानी किसान बड़ा मुद्दा है और उधर भ्रष्टाचार, किसानों के साथ साथ जी, और एमएस टूरिज्म, क्योंकि रोजगार का एक बड़ा साधन वहाँ टूरिज्म का है, तो वो उसको लेकर भी एक चिंता है और हाँ करप्शन भ्रष्टाचार कंसर्न है। जी और आपका एमएसपी एक दूसरे फॉर्म में मिजोरम में इस बार इशू बनते नजर आ रहा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। वो मैं आपको बताता हूँ, एमएनएफ वहां पर इस बार एमएनएफ जो इनकम्बेंट ये है सरकार है जिसकी, ZPM बोल के एक नई पार्टी उभर के आई है, जोरम जेपीएम पीपल्स मूवमेंट, ZPM जोरम जेडपीएम पीपल्स, हाँ जी जोरम पीपल्स मूवमेंट, जी और उसके साथ कांग्रेस है और बीजेपी है।
जी चारों ही दल है बेसिकली। अब जेडपीएम अगर आप देखेंगे कि जेडपीएम की तरफ अगर आप अर्बन सेंटर्स में घूमेंगे, आइजोल जैसे हो गया राजधानी शहर है, आइजोल पूरे डिस्ट्रिक्ट में आपका 13 या 14 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां के कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत छोटे छोटे होते हैं, लोग भी कम होता है, जी जी वोटर्स का नंबर भी कम होता है, जी तो आइजोल में 14 कॉन्स्टिट्यूएंसी में से आपका मान लीजिए 10 से 11 में जैसे हमको जो फील हुआ जेडपीएम का अच्छा खासा वो है, रीच है, और अर्बन यूथ जेडपीएम की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, और सिरचिप तो एक में नया प्लेयर जेडपीएम हो गए और एमएनएफ है ही वहां सरकार में अभी तक, और कांग्रेस और बीजेपी का क्या आप सीन देख रहे हैं, क्योंकि बीजेपी एक सीट ले पाई थी पिछले चुनाव में। जी टुई चांग वो जो सीट थी वो सीट लोंगलाई डिस्ट्रिक्ट में है उससे लिया था, लेकिन वो सीट इस बार ऐसा नहीं लग रहा है कि बीजेपी वो सीट जीत पाएगी, क्योंकि मुश्किल में है। बीज जी हाँ क्योंकि बीजेपी की जो सिटिंग एमएलए था वो उन्होंने रिजाइन ले लिया पॉलिटिक्स से, तो वो अभी वहां पर उनको अच्छा कैंडिडेट भी नहीं मिल रहा है। लेकिन बीजेपी क्या कर रहा है, आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मामेट बोल के जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पर जाने के प्लानिंग था, मामेट वो आपका वेस्ट की तरफ एक डिस्ट्रिक्ट है, त्रिपुरा और बांग्लादेश बॉर्डर होता है, तो मामेट में मोदी जी जाने के लिए वहां पर प्लान किए थे, फिर नहीं गए, अमित शाह नहीं गए, फिर अल्टीमेटली राजनाथ सिंह गए। मामेट क्यों जरूरी है, तो मामेट पूरे डिस्ट्रिक्ट में और सिर्फ मामेट डिस्ट्रिक्ट नहीं पूरे मिजोरम में बीजेपी का ही एक टैक्टिक सामने आ रहा है कि मिजोरम में जो माइनॉरिटी वोटर्स ब्रू और चकमा, तो ब्रू और चकमा का वोट अगर वो लोग कंसोलिडेट करे तो वो स्ट्रेटेजी वहां पर लेने के लिए बीजेपी पूरा कोशिश कर रही है वहां पर। और मामित इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वहां पर एक ब्रू का एक अच्छा खासा सिग्निफिकेंट वोट बैंक है, तो वहां पर इसीलिए मोदी से लेके राजनाथ सिंह का वहां पर नजर था, तो ऐसे ही बीजेपी का स्ट्रेटेजी है। और मिजोरम में घूमेंगे, हमारे वरिष्ठ साथी भाषा भी है वो भी हमारे सामने शेयर करेंगे कि पूरे मिजोरम में अगर आप जाएंगे तो जो मिजो लोग हैं, जो कुकी ऐसे लोग हैं, वो लोग डायरेक्ट बीजेपी को रिजेक्ट करें, बीजेपी को पसंद एकदम नहीं करेंगे, तो मतलब कांग्रेस पूरे और कांग्रेस का क्या सीन है? कांग्रेस आप कांग्रेस कांग्रेस से जेडपीएम ज्यादा उभार में है जो हमको लग रहा है, नया फोर्स है, लोग चाह रहे हैं कि क्योंकि उनका जो डिमांड है, अब तो एक जेडपीएम का बदलाव का डिमांड भी वहां रुख आपको दिख रहा है। हाँ एकदम तो बिल्कुल दिख रहा है, और हाँ जेडपीएम का अगर इशू अगर आप देखेंगे तो मिजोरम का पॉलिटिक्स समझ में आ जाएगा, जेडपीएम क्या क्या मुद्दों को लेके सामने बढ़ रहा है। जी उन लोगों का बताइए। पहला जो मुद्दा है वो लोग कह रहे हैं कि सोशल चेंज एंड रिवोल्यूशनरी प्लानिंग इस टाइप का कुछ है उसका पूरा नाम, तो उनका पहला मुद्दा है कि फार्मर्स का अपलिफ्टमेंट, फार्मर्स अपलिफ्टमेंट और मिनिमम सपोर्ट प्राइस जैसे एक सिचुएशन, मिनिमम सपोर्ट प्राइस डायरेक्टली नहीं कह रहे लेकिन कह रहे हैं कि जो किसानों से खरीदा जाएगा उसके लिए एक मिनिमम प्राइस सरकार हो सकता है कि उसके लिए वो निर्धारित करे, वो पहला है। दूसरा आ रहा है सिस्टम चेंज, सिस्टम चेंज और उसका ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी में वो लोग जोड़ रहे करप्शन को, और यूथ को जो यूथ सेक्शन है मिजोरम का उन लोगों को लग रहा है कि जैसे ही ये सब जगह होता है जो करप्शन अगर बढ़ता है तो यूथ को लगता है कि ये करप्शन अगर नहीं होता तो इतने पैसे हमारे हो सकता है कि हमको संस्थान देने में काम में आ जाता है, तो तो कह किसान करप्शन ये एक बड़े मुद्दे हैं, मणिपुर एक बड़ा मुद्दा है, 7 तारीख को वोट है, अब जी देखते हैं और फिर आपसे मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। शुक्रिया। अब चलते हैं हमारी वरिष्ठ सहयोगी भाषा सिंह के पास, जो इस समय मिजोरम की राजधानी आइजोल में हैं। भाषा जी, आप मिजोरम पहुंची हैं जिस पर हिंदी पट्टी में बहुत कम बात होती है, तो आपसे चुनावी मौसम का हाल पूछने के साथ साथ मैं ये भी पूछूंगा कि कुदरती मौसम कैसा है, क्योंकि यहाँ दिल्ली, यूपी, हरियाणा, यहाँ तो सबकी सांसें घुट रही हैं, धुंध और धुआं का दौर है, तो वहाँ का एक कुदरती मौसम और उसके बाद चुनावी मौसम। जैसा सब लोग देख सकते हैं जितना दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ तो बहुत चटक धूप खिली हुई है, मौसम बहुत सुहाना है, हवा बहुत ताजा है, और अभी तक यहाँ का पर्यावरण लोगों के जीवन को बेहतर बनाने वाला है, और चुनावी मौसम सरगर्म है,
7 को वोटिंग होनी है, 40 सीटें हैं यहाँ पर, और 40 सीटों में जो इस बार मुकाबला है वो त्रिकोणीय मुकाबला है। पिछले 3-4 दशकों से मिजोरम की जो पॉलिटिक्स है, जो राजनीति है, वो दो राजनीतिक दलों के बीच रही है, कांग्रेस और मिजो नेशनल फ्रंट के बीच। इस बार एक नया खिलाड़ी है और जो नई पार्टी है वो तकरीबन 5 साल पुरानी है, जोरम पीपुल्स मूवमेंट। और इस पार्टी को लेकर जो शहरी मतदाता है और खास तौर से जो नौजवान मतदाता है उसके भीतर काफी उत्साह है। एक तरह से जो देखा जा सकता है वो कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी जो की आम आदमी पार्टी की तर्ज पर जो जोरम पीपुल्स मूवमेंट है वो उभरता हुआ एक राजनीतिक दल है। और पॉलिटिक्स भी तकरीबन उसी तरह से है, ये IPS ऑफिसर है, उन्होंने बहुत लंबा अपना पॉलिटिकल पावर खेली है, इंदिरा गांधी से लेकर अभी तक 73 साल के हैं। और इनकी पार्टी में जो ब्यूरोक्रेसी है, जो तमाम और दलों के लोग रहे हैं, उनके साथ साथ नौजवानों को बड़ी संख्या में इंदिरा गांधी ने आना है, और एक इम्पोर्टेंट कॉन्टेस्टेंट के तौर पर वो यहाँ पर राजनीति में है। भारतीय जनता पार्टी इस समय एक बैड नेम है यहाँ पर, दोनों जो क्षेत्रीय दल है यहाँ पे, चाहे जो नेशनल फ्रंट हो या फिर ZPM जिसे कहते हैं पॉपुलर भाषा में, यहाँ ZPM कहा जाता है जोरम पीपुल्स मूवमेंट को, लाल दुओमा है उसके प्रमुख। तो चाहे लाल दुओमा हो या जो अभी यहाँ के मुख्यमंत्री जोरम थांगा, दोनों ही पब्लिकली ये बात बता चुके हैं कि उनका भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। जबकि जोरम थांगा तो NDA का ही पार्ट है, भाजपा गठबंधन वाले बन चुके हैं, लेकिन यहाँ पर अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ सीधे सीधे अलाइन होना दोनों ही क्षेत्रीय दलों के लिए, उन्होंने ये तय किया है कि वो साथ नहीं होंगे। और शायद यही वजह है, यह इकलौता राज्य है मिजोरम जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी प्रचार के लिए नहीं आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जितना चुनाव प्रचार मुझे दिखाई दिया है पूरे यहाँ से और आसपास के इलाकों में, हर जगह चेहरा मोदी जी ही है, M फॉर मिजोरम, M फॉर मोदी, यही करके उन्होंने पूरा चुनाव हाँ, तो प्रचार। मोदी जो नहीं आए वो एक खास मुद्दा जो उसका एक प्रमुख कारण बताया गया वो मणिपुर है। वो मणिपुर नहीं गए तो वो मिजोरम किस चेहरे के साथ, किस क्या आश्वासन लेकर आए, तो ये एक बड़ा सवाल है। और हमारी अभी संदीपन जो हमारे संवाददाता हैं उनसे ही बात हुई, तो मणिपुर भी एक बड़ा मुद्दा है मिजोरम के चुनाव में। जी, मणिपुर इस लिहाज से बड़ा मुद्दा है कि उसी की वजह से यहाँ पे जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री के साथ मंच शेयर नहीं करेंगे, और उससे जो फजीहत क्रिएट हुई उस वजह से मोदी जी को जो आना था यहाँ पर इस तारीख को वो नहीं आए। लेकिन यहाँ की जो अभी तक का जो डायनेमिक समझ आया है कि मणिपुर एक मुद्दा है लेकिन सिर्फ वही मुद्दा नहीं, मिजोरम में इस समय तो मणिपुर बीजेपी से जुड़ा हुआ एक अहम मुद्दा है, लेकिन मिजो पॉलिटिक्स के लिए बहुत अहम मुद्दा नहीं है, क्योंकि तो यहाँ पर जो अभी जिन मुद्दों पे बातचीत हो रही है, जो चुनावी मुद्दे हैं उनमें एक बदलाव की बात तो है ही, और दूसरा एक नौकरी की इम्प्लॉयमेंट की बहुत बड़ा एक सवाल है यहाँ पर, तीसरा बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर ड्रग्स को लेकर भी है, क्योंकि तो नशे की बहुत गिरफ्त में तमाम राज्य हैं, और जिसमें मिजोरम भी आता है। तो लिहाजा जो पॉलिटिकल डिस्कशन है यहाँ पर वो इन तमाम मुद्दों के इर्द गिर्द है, और कांग्रेस ने एक जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, कुछ घोषणा पत्र जारी किया है, कांग्रेस एक रिवाइवल मोड में आई है, खासतौर से राहुल गांधी की यहाँ के विजिट के बाद एक काफी नए चेहरों को भी उतारा है। और एक चीज को मैं और उल्लेख करना चाहूंगी तमाम लोगों के लिए, मिजोरम की राजनीति में महिलाएं सिर्फ वोट बैंक कैंडिडेट्स होंगे, जो अभी विधानसभा खत्म हुई है उन 40 में से एक भी महिला है। इस बार कांग्रेस और MNF यानी मिजो नेशनल फ्रंट और ZPM ने दो दो महिलाओं को उतारा है, लेकिन यह मानते हुए उतारा है कि ये सब हार ही जाएंगे।
तो अभी तक आप जब तक घूमी हैं आइजोल में, आपने आइजोल के आसपास, आइजोल के क्षेत्र में 14 सीटें तो करीब आती आती हैं 40 में से, तो जनता का, यूथ का, किसान या किसान से, मजदूर से, टैक्सी ड्राइवर, टूरिज्म एक बड़ा वहाँ व्यवसाय है, किस तरह का फीडबैक आपको मिला है जमीन पर? एक बात बहुत अहम और साफ है कि जो नौजवान तबका है वो बदलाव के मुंह निकल गए। वो जेड पीएम के यानी फोरम पीपुल्स मूवमेंट के पक्ष में दिखाई दे रहा है, और जो नौजवान है उनको लग रहा है कि बहुत हो गया है, दोनों सरकारें और एमएनएफ से तो काफी नाराजगी है, वो जो नेशनल फ्रंट से तो काफी नाराज है, और उस नाराजगी की बहुत ठोस वजह भी। अगर मणिपुर पर एमएनएफ ने या जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं जोरम दांगा, उन्होंने अगर स्टैंड नहीं लिया होता तो उनकी हालत बहुत ही खराब होती है, क्योंकि उन्होंने मिजोरम पे स्टैंड लिया, मिजोरम से जो लोग आए कुछ तो उनके भ्रष्टाचार खिलाफ नाराजगी, क्या खास वजह, एक वजह सामने आई थी कि भ्रष्टाचार के काफी आरोप हैं? भ्रष्टाचार के काफी आरोप हैं, और फिर ये भी बहुत आरोप है कि यहाँ जब इतनी चीजें हो रही थी सदन के भीतर या पार्लियामेंट के भीतर, तो यहाँ से जो सांसद हैं वो सांसद भी कुछ उसमें उन्होंने शिरकत नहीं की, एक शब्द बोले नहीं, पूरी तरह से खामोशी रही। और मुझे लग रहा है कि एक दिमाग में ये भी था कि आप पॉलिटिकल पावर यानी भारतीय जनता पार्टी, उस भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं जो इन्होंने इतना पड़ोसी राज्य में, और एक एथनिक जो एक एकजुटता है यानी जो एकजुटता है जो जिसमें कुकी भी आते हैं यहाँ पे जो भी आते हैं, तो उसको लेकर ये था कि आपने स्टैंड उस तरह से नहीं लिया, उस समय नहीं लिया। तो ये एक चीज बहुत प्रोमिनेंट है कि जिस तरह से उनको स्टैंड लेना चाहिए था और भारतीय जनता पार्टी को एक संकट में डालना चाहिए था वह नहीं डाल पाए, और भारतीय जनता पार्टी बैकफुट में है, उसका एक विधायक रहा है, और जैसा कि हम सब जानते हैं यहाँ जो माइनॉरिटी समाज है खासतौर से बुरु हुआ, चकमा हुआ, गोरखा हुआ, जो गैर ईसाई आदिवासी क्षेत्र है उसमें उसका दावेदारी काफी है, काफी जोर लगा रखा है, लेकिन बाकी जगहों पर उनके पास सिर्फ इतना है जो सोनवाल ने कहा बहुत अहम है। असम से जो मंत्री हैं पहले खुद मुख्यमंत्री थे असम के भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा कि अगर आपको रहना होगा, अगर आपको विकास करना होगा तो आपको भारतीय जनता पार्टी के साथ ही आना पड़ेगा। तो ये जो एक नॉर्थ ईस्ट की एक बहुत बड़ी क्राइसिस है पॉलिटिकल पावर उनकी, अगर वो केंद्र सरकार के साथ नहीं जाते हैं, मतलब ये मान ही के चला जाता है कि कांग्रेस में केंद्र आ जाएगी तो सारे पॉलिटिकल पार्टीज जाती है सरकार कांग्रेस के पास चली जाएगी, नहीं अगर भारतीय जनता पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी हाँ, तो के उनकी एक अपनी लिए, क्योंकि मजबूरी है और एक ईसाई बहुल राजनीतिक राज्य जरूरत है ये, जी। हाँ ईसाई बहुल राज्य है, तो इसलिए जब ईसाइयों पर हमले, चर्चेस पर हमले, तो वो एक सवाल बना। हाँ, तो कुल मिलाकर जैसे आपने बताया, तो एक नया प्लेयर आया है अब इस चुनावी मैदान में, और देखते हैं कितना कुछ बदलाव होता है। मिजोरम से एक बदलाव का वो है, और एक मणिपुर बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार है, रोजगार का मुद्दा है, और खेती किसानी में धान का है, उसका धान के मूल्य का भी एक मुद्दा है। तो आप अपनी रिपोर्ट हमें भेजते रहिए, और हम आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। अब 7 को वोट है, आप दूसरे राज्य भी जाएंगी, तो शुक्रिया फिलहाल जुड़ने के शुक्रिया लिए, धन्यवाद। जी।